गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर साइंस क्लास एंड टुडे वी विल डू एक्सरसाइज गिव वन वर्ड आंसर ऑफ लेसन वन, दैट इज लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एंड ऑल्सो आई विल गिव यू होमवर्क दैट इज डायग्राम. ओके, सी यू हैव टू मेड दीज डायग्राम्स इन योर साइंस कॉपी. ओके, एंड कलर इट ऑल्सो. लेट्स स्टार्ट. First of all, we will give one word answer. Okay, so let's start. Open your science copy. Write down today's date, that is 3rd April 2021, and classwork. And let's start writing with beautiful handwriting. Okay, so let's start. Okay, so this one is a give one word answer. You have to do this work in your science copy. Let us see what you have to do. First of all, write date like this, 3-4-2021. Then write classworks. Okay, then write lesson 1. In the next line, give one word answer. Okay, so give one word answer is a, here I will give some statement. You have to write that only one word answer. आपको एक वर्ड में ही आंसर लिखना होगा. सो दिस इज दैट टाइप ऑफ एक्सरसाइज. ओके, सो ऑल प्लांट्स एनिमल्स, सो फर्स्ट वन इज ऑल प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर वॉट, लिविंग थिंग्स. सो जितने भी प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स. ओके, सो राइट दिस. हम इस कैसे करना रहेगा आपको, ये जब भी एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पर गिव वन वर्ड आंसर में आपको ऐसे एक स्टेटमेंट मिलेगा, आप उसे पढ़कर समझ के यहाँ पे उसे वन वर्ड आंसर में लिखना है लाइक दिस. जैसे ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर व्हाट, लिविंग थिंग्स. ओके, सो जितने भी प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या है? लिविंग थिंग्स. So second one is, it do not breathe, eat, grow, move and feel. So what things do not breathe? जो सांस नहीं लेती, ना खा पाते हैं, ना ग्रो करती है, ना मूव कर पाते हैं अपने आप से, और ना फील होता है उन्हें. So what is this? These are non-living things. So जितने भी non-living things हैं वो breathe नहीं कर पाएंगे, ना eat करेंगे, ना grow, move and feel. Number 3 is, natural things are given to us by what? So natural things हमें कहाँ से मिलता है? By nature. Okay, nature मतलब God, right? So वो हमें God के through मिलता है in the nature. Okay, now fourth one is, man-made things are made by what? Man-made things हमें man-made things कौन बनाता है? By man. ओके, नाउ नंबर 5 इज, नेम वन एग लेइंग एनिमल. सो यू हैव टू राइट वन एग लेइंग एनिमल्स जो एग देते हैं, दैट इज हैन. ओके, इसके अलावा और कौन से एनिमल्स हैं जो एग देते हैं? लाइक डक, ओके, बर्ड. ओके, सो दीज आर सम एनिमल्स हु एग लेइंग एनिमल्स. सो राइट एनी वन एनिमल नेम. ओके, नाउ in the left side you have to draw these 4 diagrams, that is draw any 2 living things and 2 non-living things. Okay, so write heading in the left side first of all with your pencil. आपको सारा work pencil से ही करना है, don't use pen. Okay, now then in the next line write this type of heading, living things, then make this diagram, that is first living thing is what here? Tree. And the second one is man. Okay, like that you have to draw these 2 diagram and color it also with beautiful. Saaf saaf karna hai aapko isse color. Then the second one is non-living things. You have to draw any 2 non-living things. I made ball and pencil. ओके, सो कोई भी आपको 2 नॉन लिविंग थिंग्स मेड करना है. मैंने यहाँ बॉल बनाया एंड पेंसिल. यू हैव टू ड्रॉ दिस 4 डायग्राम इन योर लेफ्ट साइड ऑफ योर साइंस कॉपी. ओके, एंड दिस
दिस इज अ गिवन वर्ड आंसर यू हैव टू डू इन द राइट साइड ऑफ योर साइंस कॉपी ओके एंड लर्न इट ऑल्सो थैंक यू क्लास.